क्या ठंडी हवा है। घड़ी बाबू, घड़ी बाबू। ऐसे नहीं करते बच्चों, देखते नहीं घड़ी बाबू आराम कर रहे हैं, है ना? कैसे हैं आप घड़ी बाबू? ठीक, बैठो बैठो बैठो। बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, सोचा आपसे मिला है। अच्छा, बैठो। अरे विपिन, ये दोनों तो हमारे प्राण हैं। ये लोग हमसे न बोले और न छेड़े तो मेरा दिन नहीं कटता है। घड़ी बाबू, हम आपके प्राण हैं या हवा जो आप खा रहे थे? वाह घड़ी बाबू, कितने मजे से सो रहे थे आप। अरे बेटा, हवा कहीं खाई जाती है, वो तो महसूस की जाती है। अच्छा तो बताइए, हवा बनी कैसे? क्या क्या क्या, हवा बनी कैसे? विपिन विपिन, फिर फंसा दिया इन्हें घन चक्कर में। हवा बनी कैसे? हवा हवा, पेड़ हिले और हवा चली। हंसते नहीं बच्चों, ठीक कहा घड़ी बाबू ने। बच्चों, हमारे चारों ओर हवा है, लेकिन हम इसे ना तो देख सकते हैं और ना ही चख सकते हैं, क्योंकि इसका ना तो कोई आकार है और ना ही कोई स्वाद। हम इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अरे वाह, वो देखो, हवा दिख तो रही है, हवा चली और पेड़ हिले। घड़ी बाबू, जैसे हवा हमें लगती है वैसे ही पेड़ों को छूती है, बस फर्क इतना है कि जब हवा पेड़ों को छूती है पेड़ खुशी से झूम उठते हैं। भाई वाह वाह वाह। नीता, एक बाल्टी में पानी और जरा खाली बोतल तो ले आओ। क्या कोई जादू दिखाएंगे विपिंदा? हाँ मीता, तुम्हें एक जादू दिखाएंगे। क्यों शोर, देखोगे ना जादू? हाँ। घड़ी बाबू आप भी देखेंगे? देख लेंगे। ये रही बाल्टी और ये बोतल विपिंदा। हाँ ओ मीता बैठो। शोर थोड़ा आगे आ जाओ बेटा। हाँ तो घड़ी बाबू, अब देखो जादू। ये बुलबुले क्यों निकले? देखो बच्चों, हवा हमें दिखती तो नहीं है, लेकिन होती हर जगह और हर वस्तु के अनुसार अपना स्थान ग्रहण करती है ना? लेकिन विपिन, तुम्हारी बोतल से और बुलबुले से क्या मतलब? बहुत बड़ा मतलब है घड़ी बाबू। जब बोतल हमारे पास आई थी तो खाली थी, उसमें हवा ने अपना स्थान घेर रखा था। जब हमने बोतल को पानी में डुबोया, फिर से देखिए ऐसे, तो हवा ने अपना स्थान छोड़ना शुरू किया और पानी बोतल में भरना शुरू हो गया, जिसके कारण ये बुलबुले उठे। और जब बोतल पूरी तरह हवा से खाली हो गई तो बुलबुले उठना भी बंद हो गए। समझ में आया आपको? नीता नीता, तुम लोगों ने कभी पानी में पत्थर फेंक के देखा है कि क्या होता है? क्या होता है? पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया विपिन। क्या पकड़ लिया घड़ी बाबू? अरे पत्थर को पानी में फेंको और बुलबुले निकलते हैं और घड़ाप से आवाज होती है और पत्थर नीचे चला जाता है। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि गुब्बारे में क्या भरा जाता है? हवा। और साइकिल में? मेरी साइकिल में तो हवा भरी जाती है। तुम्हारी क्या, सबकी साइकिलों के पहियों में हवा ही भरी जाती है। शाबाश, समझे घड़ी बाबू? इसका मतलब हम लोग चारों ओर हवा से घिरे हुए हैं विपिंदा। क्या हम हवा में रहते हैं विपिंदा? नहीं बेटा, हम हवा में नहीं रहते, हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी के चारों ओर
वायु का आवरण है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। शाबाश विपिन। मेरा प्रश्न अब भी वही है कि हवा बनती कैसे है? बहुत अच्छा प्रश्न किया घड़ी बाबू आपने। वायु कई गैसों का सम्मिश्रण है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से गैसों का सम्मिश्रण है। हाँ देखिए, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, अक्रिय गैस 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और अन्य गैसें 0.03%। अब सुनो, फिर से एक बार सुनो, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, अक्रिय गैस 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और अन्य गैसें 0.03%। इन सबको मिला के हवा या वायु बनती है। हाँ, अब समझ में आया हवा क्या है। हवा घेरती है स्थान, नहीं देती गंध का भान, रंग रूप नहीं कुछ उसका, फिर भी सब कुछ है जीवन उसका। पागड़ी बाबू।